यमुनानगर की मुस्कुराती हुई सड़कें, ऐसा ना कभी सुना होगा ना ऐसा आपने देखा होगा। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन खस्ता हाल सड़कों को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन हुआ। सड़कों पर एक संस्था आगाज द्वारा स्माइली बनाई गई है। स्माइली इस जगह पर बनाई गई है जहाँ जहाँ सड़क पर खड्डे हैं, पूरे खड्डे को कवर करके स्माइली बनाई गई है और ऐसा करके प्रशासन और सरकार को झुकाया जा रहा है क्योंकि लंबे समय से ये सड़क विकास को तरस रही है और विकास का इंतजार कर रही है। ये नहीं पता लगता कि खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे। आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में यमुनानगर के विधायक का दफ्तर भी है और निवास स्थान भी, लेकिन फिर भी सड़कों का ये हाल देखने को मिल रहा है। आगाज संस्था के मेंबर गौरव ने बताया कि शहर के बीचों बीच सड़क के 3-4 साल से ऐसे ही टूटी पड़ी हैं। पिछले काफी समय पहले जब मुख्यमंत्री यहां आए थे तब ये सड़क बना दी गई थी। शहर की सड़कों की बदतर हालत को देखते हुए ही आज उन्होंने इस पर हंसती और रोती हुई इमोजिस बनाई है और ये दर्शाने की कोशिश की है कि सड़कों पर बड़े गड्ढे लोगों पर हंस रहे हैं। रोड के हालात पिछले 3-4 सालों से बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं, तो उन 3-4 सालों से हम ये देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक बार आए थे तो इस रोड को बना दिया गया था, उसके बाद ये एजिटिज दोबारा से ऐसी ही है। पिछले 1 साल से तो बहुत ही खराब हालात हैं। तो हमारी जो आगाज की टीम है, हमने सब ने मिलकर डिसाइड किया कि इन खड्डों के ऊपर इमोजीज बनाएं और इन पे हंसते हुए फेस बनाएं, कुछ रोते हुए फेस बनाएं, ताकि शहर के लोग भी देखें कि ये खड्डे उन पर हंस रहे हैं, कि वो लोग चल रहे हैं इनके ऊपर से, और जो यहाँ से जो प्रशासन के लोग गुजरते हैं सारा दिन वो भी देखें कि हम इन पे जो कुछ बनवा नहीं पा रहे हैं, इनको इन खड्डों को भरवा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे चलती कुछ लड़कियाँ भी हमने कई बार देखा है, वो गिरी हैं, छोटे बच्चे भी गिरते हुए हमने देखे हैं, लेकिन प्रशासन का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कल यहाँ पे किसी मुख्यमंत्री का, किसी मंत्री का प्रोग्राम होगा तो ये रोड अपने आप बन जाएगी, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए ये रोड नहीं बन सकती। वहीं जब इसी क्षेत्र में एमसी विनोद मरवा से बात की तो उन्होंने कहा कि 2-3 साल से सड़क का यही हाल है। आरोप लगाते हुए कहा कि इस सड़क का निर्माण रुका हुआ है। पहले इस सड़क का टेंडर 78 लाख में हुआ था, लेकिन बाद में ये टेंडर 1,25,00,000 का कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सड़क के लिए उन्होंने निगम में भी कई बार अपनी आवाज उठाई है और यहाँ तक भी बोला है कि अगर इस टेंडर में दिक्कत है तो टेंडर को दोबारा किया जाए ताकि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो सके और लोगों को सुविधा हो सके। इस सड़क को आज कम से कम भी 3-3.5 साल हो गए हैं। इस मुद्दे को ये जैसी की तैसी है, 2 साल मुझे बने हुए हो गए हैं। उससे पहले भी 1 साल मैं इस सड़क के लिए प्रदर्शन करता रहा। जब मैं वहाँ पर गया, इस सड़क में अधिकारी अपने अधिकारियों को बचाने के लिए ये सड़क का निर्माण कार्य है रोका हुआ है, क्योंकि इस सड़क का पहले 78 लाख रुपए का एक टेंडर था जिसको इन्होंने अधिकारियों ने अपनी पैसों के लालच में 1,25,00,000 रुपए का कर दिया। उसमें जब हमने इससे क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने उसका काम बंद कर दिया। मैं हर हाउस की मीटिंग में मैडम इसमें आवाज़ उठाई है, हर मीटिंग में मेरे को केवल और केवल आश्वासन दिया जाता है। मैंने उनको ये भी कहा था कि आप अगर इसमें दिक्कत है इस टेंडर को कैंसिल करके नया टेंडर कर दें ताकि लोगों को आने जाने के लिए तो सुविधा हो। कम से कम ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं ये धक्के खा खा के जा रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, कम से कम ये तो ना हो, परंतु इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। अभी अखीरले हफ्ते भी मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है, वो कहते मुझे अभी इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप इतने बड़े निगम अधिकारी हैं, आपको इस बारे में पता ही नहीं है, जानबूझकर इसको दरकिनार किया जा रहा है। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।